आज जिस मूवी की मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, बड़ी ही इंटरेस्टिंग मूवी ये होने वाली है, क्योंकि इस मूवी के अंदर एक लड़का है जो अपनी ही स्टेप मॉम के साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप्स बनाना चाहता है। तो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से। मेरे चैनल में आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि आपको अगर फ्यूचर में फर्दर अपडेट्स चाहिए मेरे चैनल से तो बेल आइकन जरूर दबाना सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है तो एंड तक बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग एनी नाम की एक औरत को देखते हैं जिसकी सेकंड शादी हुई थी और उसके हस्बैंड का नाम पीटर था यहाँ पर। और हमें देखने को मिलता है कि एनी के यहाँ पर दो बेटियाँ थी और पीटर का एक बेटा था। और दोस्तों, यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर जो एनी थी वो पीटर की सेकंड वाइफ थी। एक दिन इन लोगों का गेट टुगेदर होता है और पीटर अपने बेटे यानी कि गुस्ताव था उसके बेटे के नाम, वो उसको एनी से मिलवाने के लिए लाता है। और हम लोग देखते हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ खास रिलेशनशिप्स नहीं थी स्टार्टिंग में, क्योंकि यहाँ पर गुस्ताव जो है उसकी मॉम ने, जो पहली उसकी जो मॉम थी उसने सुसाइड करा था, वो भी एनी की वजह से करा था, क्योंकि उसका फादर जो है वो एनी को पसंद करने लगा था। दोस्तों, इसके बाद सीन जो है वो यहाँ के इनके लंच टाइम पर आता है और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो डॉटर्स थी यानी कि एनी की जो डॉटर्स थी वो यहाँ पर गुस्ताव के लिए एक गिफ्ट लाती हैं जो कि एक पेंडेंट था, और वो उसे ये गिफ्ट देती हैं। दोस्तों, यहाँ से सीन जो है वो फिर से चेंज होता है और हम लोग एनी को देखते हैं जो कि एक शॉपिंग सेंटर में आई हुई थी शॉपिंग करने के लिए। और वो जैसे ही वहाँ से आ रही थी, उसको वही पेंडेंट बाहर रोड पर पड़ा हुआ मिला था। उसको ये एहसास तो हो चुका था कि ये गुस्ताव ने फेंका है, क्योंकि गुस्ताव का जो बिहेवियर था उसके प्रति वो बहुत ही बेकार था। अब यहाँ से सीन फिर से चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ पर एनी थी वो गुस्ताव से इस बारे में बात करने आई रही थी। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर पीटर और गुस्ताव की आपस में एक छोटी सी बहस हो जाती है, जिसके कारण गुस्ताव घर को छोड़कर है वहाँ से, यानी कि घर अपने घर को छोड़कर बाहर चला जाता है। यहाँ से सीन दोस्तों यहाँ से फिर से चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एनी गुस्ताव को उसी पेंडेंट के बारे में बताती है जो उसे बाहर पड़ा मिला था और जो कि गुस्ताव को उसकी सिस्टर्स ने दिया था, यानी कि उसकी स्टेप सिस्टर्स ने। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एनी फिर से कुछ दिन बीतते हैं। एनी बाहर से ड्राइव करके आ रही थी और जैसे वो अपने घर के गेट पर पहुँचती है, उसे ये देखने को मिलता है कि उसके घर की सारी विंडोज़ टूटी हुई थी, गेट वेट सब टूटे पड़े थे, सारा सामान घर का फैला हुआ था क्योंकि उसके घर में कोई भी नहीं था। अब वो यहाँ पर पुलिस को कॉल करती है, पुलिस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन करके चली जाती है पर उनको कोई क्लू नहीं मिलता। यहाँ पर एनी गुस्ताव के रूम में जाती है और उसके डस्टबिन में देखती है कि वही पेंडेंट जो उसको बाहर पड़ा मिला था, जो कि उसकी बेटियों ने गुस्ताव को दिया था, वो फिर से गुस्ताव के रूम में है। तो कहीं ना कहीं उसका शक गुस्ताव पर आ जाता है। गुस्ताव जैसे ही अपने रूम में आता है, उसको एनी दिखती है और एनी उससे पूछती है कि अगर तुम मुझे बता दोगे कि तुमने ये चोरी क्यों करी तो मैं किसी को भी ये नहीं बताऊंगी, पर एक कंडीशन है कि आज के बाद से तुम हमारे साथ घुल मिल कर रहोगे, तभी मैं किसी को नहीं बताऊंगी। गुस्ताव इस बात पर राजी हो जाता है और कहता है कि मैंने ही ये चोरी करी है। एक्सप्लेनेशन को बीच में रुकने के लिए दोस्तों आई एम वेरी सॉरी, बट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो या वीडियो को लाइक, बस एक चीज़ चाहता हूँ कि आपकी जो भी पसंदीदा मूवी है उसको कमेंट करो, मैं उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन करूँगा। ऐसा करने से दोस्तों मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। अब आप कंटिन्यू करिए। अब दोस्तों कुछ दिन बीतते हैं और ये सब लोग आपस में एक हैप्पी फैमिली की तरह ये लोग रह रहे थे। ये दोनों एक लॉन में आते हैं पार्टी करने के लिए, इनकी एक पिकनिक यहाँ पर दोस्तों चल रही थी। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि पीटर भी बहुत खुश था क्योंकि उसका बेटा गुस्ताव इन सब लोगों से घुल मिल रहा था। हम देखते हैं कि एक दिन पीटर जो है, पीटर का बेटा यानि कि गुस्ताव अपनी गर्लफ्रेंड को अपने रूम में लाता है, वो अपनी फैमिली से उसको मिलवाता है। हम देखते हैं कि ये दोनों अपने रूम में इंटीमेट हो रहे थे और जिनकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी, जिसके कारण यहाँ पर एनी जो है वो बहुत परेशान हो गई थी। यहाँ से अगला सीन जो है दोस्तों वो चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि ये लोग फिर से एक पूल साइड थे और वहाँ पर ये पार्टी कर रहे थे। इसके बाद यहाँ से हमें नाइट का सीन एक दिखाया जा रहा है जहाँ पर गुस्ताव अपनी मदर यानी कि अपनी स्टेपसन के साथ एक उनकी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, वो दोनों रात में बातें कर रहे थे, बियर पी रहे थे। तभी यहाँ पर एनी जो है वो गुस्ताव के हाथ में देखती है एक टैटू को जो उसे बड़ा ही पसंद आता है। वो गुस्ताव से कहती है कि क्या तुम मेरे हाथ पर भी एक बनाओगे, तो गुस्ताव उसके हाथ पर भी एक ऐसा ही टैटू बना देता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से हमें एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है जो उनके घर पर हो रही थी, और यहाँ हम देखते हैं कि जो गुस्ताव है वो यहाँ पर एनी को देखता है कि वो बाहर बैठी हुई थी। अब यहाँ पर गुस्ताव एनी को एक ड्रिंक के लिए उसको अप्रोच करता है और उससे कहता है कि एनी क्या तुम मेरे साथ एक ड्रिंक पर चलोगी, तो एनी भी उसके हाँ कर देती है और उसके साथ एक बार में जाती है जहाँ पर ये दोनों ड्रिंक करते हैं। यहाँ पर बातों ही बातों में एनी अपने आप को रोक नहीं पाती और गुस्ताव को वो किस कर देती है, पर ये किस गुस्ताव को जो अच्छी नहीं लगती और वो वहाँ से चला जाता है। दोस्तों फिर यहाँ पर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों सो रहे होते हैं, पर एनी जो होती है वो अलग कमरे में सो रही थी और उसको भी ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि जो उसने क्या था। वो इस चीज़ को
की माफ़ी मांगने के लिए मुस्ताफ़ के रूम में जाती है और वो अपने आप को रोक नहीं पाते और इन दोनों के बीच में गाइस यहाँ पर एक फिजिकल रिलेशनशिप होता है। इसके बाद हम अगला सीन यहाँ से चेंज होता है, हम लोग देखते हैं कि ये दोनों अपने बाहर घूम रहे थे और अपने आप पर एनी को बहुत रिग्रेट हो रहा था जो उसने पिछली रात गुस्ताफ़ के साथ करा था। पर एनी भी सोचती है कि छोड़ो क्या क्या हुआ, मैंने भी मजे लिया, गुस्ताफ़ ने मजे लिया, अब इस बात को रद्द करो। इसके बाद अगला दिन यहाँ से बीतता है और हम देखते हैं कि इनके हाउस पर एक पार्टी चल रही होती है और गुस्ताफ जो है वो एनी को वहाँ पर एक कोने में ले जाकर एक झाड़ी के पास किस कर देता है। पर एनी की जो फ्रेंड होती है लीना, वो ये सब उन दोनों को ये सब करते हुए देख देती है और वहाँ से एक अपना एक उदास चेहरा लेकर चली जाती है, क्योंकि वो उसकी बहन थी और उसे ये बहुत गलत लग रहा था कि वो ही अपने स्टेपसन के साथ ये सब काम कर रही है। अगले ही सीन में एनी लीना से बात करने जा रही होती है पर लीना उसकी एक भी नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो गुस्ताफ होता है और एनी होती है, ये दोनों बातें करते हैं कि अब हम ये सब अपना रिलेशनशिप हम अब आगे नहीं रखेंगे और मैं तुमसे अब ब्रेकअप चाहती हूँ, मैं तुमसे रिश्ता नहीं रखना चाहती। अगला सीन ऐसे चेंज होता है, हम गुस्ताफ को देखते हैं जो कि एक पेड़ पर चढ़ा हुआ था, सब लोग उससे मना कर रहे थे उतर जाओ, वो उतर नहीं रहा था, वो एकदम से पेड़ पर से कूद पड़ता है और हम लोग देखते हैं कि सब उसके पास आते हैं, चिंता दिखाते हैं, पर वो तभी हंस पड़ता है और हमें पता पड़ता है कि वो यहाँ पर एक प्रैंक कर रहा था, जिस प्रैंक के कारण उसका जो फादर पीटर होता है उससे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और उसे धक्का देके बाहर फेंक देता है। अब हम गुस्ताफ और एनी को एक जंगल में देखते हैं जहाँ पर ये दोनों कुछ रिलेशनशिप के बारे में अपनी बात करने आए थे और यहाँ पर इनके बीच में एक बात होती है कि अभी अपना रिलेशन आगे नहीं रखेंगे। गाइस अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एनी जो है वो पीटर के पास आते हैं और वो देखता है कि पीटर और गुस्ताफ आपस में बातें कर रहे थे और इनकी बात का टॉपिक ये था कि पीटर गुस्ताफ से कह रहा था कि मैं तुम्हें पिकनिक पे अपने साथ लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें और समझना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे बीच में जो पिछली रात बीता हुआ जो हुआ था, हम दोनों के बीच में लड़ाई, मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में ऐसा कुछ दोबारा हो। यहाँ से हम अब देखते हैं कि पीटर एनी को बताता है कि वो एनी को बताता है कि लीना का पीटर को एक कॉल आया था और वो उसे कुछ बताना चाहती थी पर मैं कॉल नहीं पिक कर पाया। अब यहाँ पर एनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा चिंता में आ जाती है और लीना के घर जाती है और उसे कहना चाहती है कि अब मैंने गुस्ताफ के साथ अपना रिलेशन जो है वो तोड़ दिया है, मैंने उसका जो अफेयर चल रहा था उसका मेरा वो अब नहीं चल रहा है और मैं नहीं चाहती कि तुम अब पीटर को हमारे बीच के जो तुमने उस दिन देखा वो बातें बताओ। पर वो उसे वहाँ से जाने के लिए मना कर देती है और उसे भगा देती है अपने घर से। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सोचने लग जाती है, उसका दिमाग एकदम फट रहा था ये चीज़ लेकर कि कहीं लीना पीटर को वो उस दिन वाली बात बता ना दे। अब ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और हम पीटर को देखते हैं वो एनी के पास आता है और उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सुना है कि तुम्हारा गुस्ताफ के साथ एक रिलेशन चल रहा था। एनी उस चीज़ के साफ मना कर देती है, ऐसा कुछ नहीं चल रहा था, गुस्ताफ हमसे मना कर रहा है। तो वो पूछते हैं कि तुमको ये सब बताया किसने, तो पीटर कहता है कि ये सारी बातें गुस्ताफ ने ही मुझको बताई थी। तब एनी पीटर को कहती है कि गुस्ताफ ये सब झूठ बोल रहा है ताकि वो चाहता है कि तुम मुझसे ब्रेकअप कर लो, हमारा डाइवोर्स हो जा रहा हो अपनी माँ के पास तुम और वो वापस चले जाएं। एनी की इन बातों को सुनकर पीटर को भी ये सब बातें झूठ लगने लगती हैं जो कि गुस्ताफ ने उससे कही थी और वो यहाँ पर हम अगला सीन से चेंज होता, हम देखते हैं कि एनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी और वो कहती है कि तुम अभी के अभी गुस्ताफ को हमने घर से बाहर निकालोगे क्योंकि वो हमारे बीच में रिलेशनशिप नहीं चाहता, वो हमारे बीच में डिवोर्स करवाना चाहता है। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर पीटर को एनी पर जो शक था वो बिल्कुल नहीं होता और वो उसे उसकी सारी बातों को सच समझने लगता है और हम देखते हैं ये दोनों को यहाँ पर एक गले मिलते हैं और किस करते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम एनी को देखते हैं जो कि वही टेप रिकॉर्डर जिसमें गुस्ताफ ने उसकी और अपनी कुछ बातें रिकॉर्ड करी थी उस टेप रिकॉर्डर को तोड़ देती है। अगला दिन यहाँ से बीतता है और हम इन तीनों को आपस में बैठे देते हैं और उसी बारे में बातें कर रहे होते हैं, इन एनी और गुस्ताफ के रिलेशनशिप के बारे में तीनों बातें कर रहे थे और यहाँ पर गुस्ताफ जब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, वो सब पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि अगर आपको मेरी बात झूठ लग रही है तो झूठी सही, और वो वहाँ पर एनी के मुंह पर थूक कर वहाँ से चला भी जाता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो गुस्ताफ जो है उसको एक बोर्डिंग स्कूल में शिफ्ट कर दिया जाता है। उस दिन और बीतते हैं पर लेकिन यहाँ पर पीटर का गुस्ताफ के बिना मन नहीं लग रहा था और वो चाहता था कि उससे मिले। तो एक दिन वहाँ पर एनी जाती है गुस्ताफ के पास और उससे बातें करती है, पर गुस्ताफ उससे कहता है कि तुम मुझे ज़्यादा दिन अपने पिता से मेरे पिता से दूर नहीं रख पाओगी। तब एनी गुस्ताफ से कहती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है जो तुम हम दोनों को अलग कर सको। और एनी के सारी बातें सुनकर गुस्ताफ को बहुत ही बुरा फील होता है और वो वहाँ पर रोने लगता है और वो ये सोचता है कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता अपने पिता के लिए और एक ऐसी लड़की जो उनके साथ है, ऐसी गलत लड़की। कुछ दिन और बीतते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्रिसमस पार्टी चल रही होती है इनके घर में, ये लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे थे और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर रेबेका यहाँ पर अपने कुछ काम कर रही थी और देखते हैं कि यहाँ पर पीछे से गुस्ताफ रेबेका के पास आता है और वो कहता है कि मुझे अपने डैड से मिलना है और मैं उन्हें सच बताना आया हूँ और अपने साथ ले जाने आया हूँ।
तब रेबेका उसको अंदर नहीं जाने देती और उसको अपने पापा से नहीं मिलने देती और वो उसको वहाँ से भगा देती है। अब गुस्ताफ भी बेचारा क्या करे, क्योंकि राज तो इस टाइम एनी का चल रहा था उस घर में और वो बाहर खड़ा खड़ा रोने लगता है ये सोचकर कि वो अपने पापा के लिए कुछ नहीं कर सकता। कुछ दिन बीतते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि एनी की बर्थडे पार्टी चल रही थी और यहाँ पर लीना भी आई हुई थी जो कि बहुत एक माइंड में अपने में उदास बैठी थी। तब यहाँ पर पीटर को रेबेका का कॉल आता है जो कि गुस्ताफ की स्कूल की टीचर थी और वो कहती थी गुस्ताफ यहाँ पर क्रिसमस वाले दिन से ही अपने स्कूल में नहीं है और वो भाग गया है। पर पीटर इस बात को सीरियसली नहीं लेता है और वो अपनी पार्टी इन्जॉय करता है अपनी वाइफ एनी के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ। अब क्योंकि यहाँ पर गुस्ताफ मिल नहीं रहा था और एनी को भी यहाँ पर अब चिंता होने लगी थी, क्योंकि पीटर का बेटा गुस्ताफ लास्ट बार एनी से ही मिला था। दोस्तों इस सीन में एनी यहाँ पर हमें दिखाई जाती कि बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी और वो नहीं चाहती थी कि उसके ऊपर ऐसा कोई भी शक आए, क्योंकि जो गुस्ताफ था वो लास्ट बार उसी से मिला था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि पीटर अपने घर पर आता है, उसका चेहरा कुछ उदास लग रहा था और एनी उसे पूछते कि क्या हुआ पीटर। तब पीटर उसे बताता है कि अभी मैंने पुलिस से बात करी और पुलिस ने मुझको ये बताया कि हमारे बेटे गुस्ताफ की डेथ हो चुकी है और रीज़न उसका ये था कि ये लोग जहाँ पर पिकनिक करने जाते थे ये दोनों पापा बेटे, वहाँ पर ही उसकी लाश मिली है, क्योंकि वहाँ पर इन दिनों बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है और वो वेट कर रहा था मेरा वहाँ पर आने का, पर मैं वहाँ पर नहीं जा पाया और मेरे वहाँ पर ना जाने की वजह से गुस्ताफ की वहाँ पर डेथ हो गई मेरी वेट करते करते। अब यहाँ पर दोस्तों एनी जो है वो उसे छोड़ती है कि अब ये बातें छोड़ो, वो मर गया तो मर गया। पर यहाँ पर पीटर जो होता है वो उसका मुंह बंद कर लेता है और कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, मेरे और मेरे बेटे के बारे में तुम्हें बोलने की कोई भी तुम्हारा हक नहीं है। दोस्तों यहाँ पर अब हम देखते हैं कि अभी मूवी का लास्ट सीन चल रहा है और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये इनकी पूरी फैमिली गुस्ताफ के फनरल में जाने के लिए तैयार हो रही थी। यहीं पर मूवी एंड होती है।